अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में नवे बैच साल 2019-20 के लिए वाइट कोट की एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबा व तलबात की बड़ी तादाद समेत मेहमान खसूसी CEO सितारा केमिकल मियां मोहम्मद इदरीस, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी समेत प्रिंसिपल अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नूर अकबर सयाल, डायरेक्टर सितारा केमिकल मियां मोहम्मद हसीब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सितारा केमिकल इजाज हुसैन ने शिरकत की। अल्लाह के पाक नाम से तकरीब का बाकायदा आगाज किया गया। प्रिंसिपल अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नूर अकबर सयाल की जानब से आने वाले तलबा व तलबा से इंसानियत की खिदमत करने और ख़ुद को एक अच्छा तालब इल्म साबित करने पर हलफ भी लिया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि आने वाले तमाम तलबा व तलबात को खुश आमदीद कहता हूँ। तकरीब में मौजूद इन बच्चों के वालदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नंबर 7 मेरिट वाइज अमंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन द पंजाब एंड ऑल सीट फुलफिल्ड एंड सेकंड मेरिट लिस्ट मोस्टली एज फर्स्ट प्रायोरिटी बिफोर एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थ्रू आउट द कंट्री। तकरीब के शुरका से बात करते हुए CEO सितारा केमिकल मियां मोहम्मद इदरीस का कहना था कि आप तालिब इल्म हमारा और इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आपकी मेहनत असातिज़ा की रहनुमाई से इस अदारे का मियार बेहतर बनाएंगे, पाकिस्तान दुनिया जहान की सिफारिशें फिराएंगे और उन सिफारिशों में ये लोग जो 75 या 80 प्लस नंबर्स लेके आए हैं वो रह जाएंगे और वो जो 52, 55 और 60 वाले जो बच्चे हैं वो दाखिल हो जाएंगे और फिर हमें उन पर मेहनत करनी पड़ेगी डॉक्टर बनाने में, और वो जब डॉक्टर बन के हमारे हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में या क्लिनिक्स में जाएंगे तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। ख्यालात का इजहार करते हुए वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना था, आई सॉ अ स्पार्क इन द स्टूडेंट्स एंड आई आल्सो सॉ दैट द फैकल्टी इज वेरी वाइब्रेंट एंड डायनामिक, स्पेशली द एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय मियां अदरीस साहब एंड द वे दे हैव कमांडेड सक्सेस इन लास्ट फ्यू ईयर्स by producing wonderful graduates, I was really inspired. बेहतरीन मियारे तालीम के साथ साथ ये तलबा ना सिर्फ पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बनेंगे बल्कि इनकी जहनी तख्लीक में भी इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ महबूब अली, BSTV, फैसलाबाद।